नमस्कार दर्शक साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल BN24 में। दर्शक साथियों, आप सभी को पता है कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है और भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, इससे सावधान रहें। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 29,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और मरने वालों की संख्या लगभग 939 पहुंच चुकी है, जबकि लगभग 7,137 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान जिला करनाल के गांव पोपड़ा से एक मोबाइल मैकेनिक मिस्टर अजीत सिंह सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या लॉकडाउन खोला जाएगा तो गरीब लोगों के लिए या सभी कस्टमरों के लिए उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई है कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट की मोबाइल की सर्विस करेंगे, यानी किसी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यह सुविधा उन्होंने कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों के लिए बिल्कुल फ्री की है। आइए सुनते हैं खुद मिस्टर अजीत सिंह पंचाल की जुबानी। नमस्कार दर्शक साथियों, मैं अजीत सिंह गाँव पोपड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि जो भी कोरोना वायरस चला हुआ है उसके दौरान जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मैं एक महीना तक अपनी दुकान से सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो मेरा एसेसरी आएगी मैं सिर्फ एसेसरी के पैसे लूंगा, जो मेरी सर्विस चार्जेस होगी मैं सर्विस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लूँगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी आया हुआ हो, अगर वो कोरोना से जैसे लॉकडाउन के दौरान किसी बंदे के पास ज़्यादा पैसे ना हो और वो सर्विस ना दे पाए, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जितना हो सके कि मैं इन लोगों की सेवा करता रहूं। और ये चाहता हूं कि भाई मेरे से सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सिर्फ एक्सेसरी का ही मैं पैसा लूँ, सिर्फ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी मेरी तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें, और हमारे BN24 फेसबुक के पेज को फॉलो करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और YouTube पर भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। BN24 के न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना। BN24 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।